रागिनी ने कभी अपने प्यार के बारे में झूठ नहीं बोला, हमेशा तुमसे प्यार करती आई वो। रहने दे स्वरा, ये नहीं समझेगा। सच तो ये है कि ये घर, ये परिवार कभी तुम दोनों के लायक थे ही नहीं। जिस घर में रिश्तों को मजाक, शादी को खेल और बड़ों को पैर की जूती समझा जाता हो, ऐसे घर से तुम दोनों का आज के बाद कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नाना शेखर जी, संस्कार ना, मैं समझ सकती हूँ रागिनी का तो ठीक है, लेकिन जिस स्वरा तो हमारी कुछ नहीं लगती वो आपकी, कुछ नहीं। बाबा मैं आपका गुस्सा समझता हूँ। समझता है तो ये भी समझ के इस घर में मैं अपनी बच्चियों को क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन संस्कार ने तो कुछ ना किया है ना, संस्कार ने क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है? क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया मेरी बच्ची के साथ? कभी शादी, कभी तलाक, फिर शादी, फिर तलाक। कुछ दिन पहले मेरी बच्ची को छोड़कर उसने किसी और लड़की से मंगनी की। और आज अगर मेरी बच्ची वक्त पर नहीं आती तो आज उन दोनों की शादी हो जाती। वजह कुछ भी हो, जिस घर में लड़कों के ऐसे संस्कार हो उस घर में मैं अपनी बच्चियों को कभी नहीं रहने दे सकता। शेखर जी, हम आपकी सारी बात समझ रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से गुस्सा होकर यहां से मत जाइए। गुस्सा नहीं है, यकीन है। इस यकीन के साथ जा रहा हूं दुर्गा प्रसाद जी के। आज के बाद इस घर से मेरा और मेरी बच्चियों का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और अपने साथ आपके बेटे की यह सौगात लेकर जा रहा हूं, जो सारी जिंदगी मुझे ये एहसास दिलाती रहेगी इस घर में मुझे इज्जत मिली है। और अगर कभी अपनी बच्चियों के खातिर मैं कमजोर पड़ गया ना, तो ये सौगात मुझे हिम्मत देगी कि मैं अपनी बच्चियों को कभी इस घर की चौखट ना लगने दूं। चलो खा। अगर इन्हें अपनी बेटियों को यहाँ से लेके ही जाना था तो फिर इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी, पहले ही लेके चले जाते, कम से कम थप्पड़ तो नहीं खाना पड़ता। शेखर बेटा सोच ले, तेरा फैसला हमारे को ठीक ना लगे। तू जाति कर रहा है बेटा। ना बाबूजी, ज्यादती करूंगा इन दोनों को इस घर में छोड़कर। अगर तुमने ये फैसला ले लिया है कि स्वरा हमारे साथ जाएगी तो हम
स्वरा को अपने साथ लेकर जाएंगे। मुझे यकीन है कि तुम अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे। चल रहा है। पापा, पापा मैं कैसे? मैं तो पापा को मना मत करो, जाओ उनके साथ। कसम खा कि आज के बाद कभी इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखेगी। और अगर ऐसा किया तो अपने बाबा का मरा मुंह देखेगी। अंदाजा भी है क्या किया है तूने लकी? तूने हम सबको, इस पूरे परिवार को धोखा दिया। और आगे उसका क्या? ओह गॉड, ये धोखा एंड ऑल कब खत्म होगा? बेबी आई एम रियली टायर्ड। संस्कार, रिलैक्स, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई। इतनी बड़ी बात नहीं है लकी, तू होश में है? ओ प्लीज भाई, जो सब चाहते थे वो तो हो गया ना। माँ पापा को उनकी बहू मिल गई, तेरी शादी स्वरा से हो गई। मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, पर सब ठीक हो जाएगा। भले ही सबको उनकी मन चाहे बहू नहीं मिली। मेरे पापा ने मुझे यूजलेस कहा। मेरी शादी के दिन मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। रागिनी के पापा ने मुझ पर हाथ उठाया। ये सब देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी परवाह किसी को नहीं है, तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? लकी बकवास मत कर। बकवास? सीरियसली मैं बकवास कर रहा हूँ? तूने देखा नहीं क्या संस्कार, कैसे सबने मुझे और मेरी पत्नी को इतना इग्नोर किया? किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ? बस सब चाहते हैं कि मैं रागिनी से शादी करूं। अरे क्यों करूं मैं रागिनी से शादी? आप सबके साथ जो उसने किया आप भूल सकते हैं, पर मेरे साथ जो किया मैं नहीं भूल सकता। तू ही बता सकता, ऐसी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? बस लक्ष्य,
बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। अब रागिनी के खिलाफ एक शब्द और नहीं। शांत हो जाओ अन्नपूर्णा, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं कैसे शांत हो जाऊं जी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। सिर्फ तुम्हारी वजह से संस्कार और स्वरा शादी होने के बावजूद भी एक नहीं हो पा रहे हैं। जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो मेरी तरफ देखो लक्ष्य। सब बर्बाद कर दिया तुमने। मेरी परवरिश, मेरा खून, सब का तमाशा बना दिया तुमने। शांत हो जाओ जीजी, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हम लोग शेखर जी से बात करेंगे जीजी, मनाएंगे उनको। काव्या तुम थक गई हो ना, चलो। एक मिनट लक्ष्य, झगड़ा ना करो जीजी। गॉड, ये नाटक पता नहीं कब खत्म होगा। मुझे आज बोलने दो। तुम्हें क्या लगता है लक्ष्य, हम सब तुम्हारी खुशियों से जलते हैं? तुम्हारी खुशियों में रोड़ा है हम? ठीक, तो जाओ रह लो अपनी बीवी के साथ। लेकिन इस घर से बाहर आगे आप क्या कर रही हैं? हाँ तो क्या गलत कर रही हूं मैं? मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। जिज्जी बिल्कुल सही कर रही है लक्स, तू है इसी लायक। इस परिवार के तीनों छोरों को हमने बचपन से एक जैसी परवरिश दी है, तू पता नहीं कैसे ऐसे निकल गया। चल मेरे साथ। शेखर बैठ जा,
को ठंडा कर। क्या होगा का क्या मतलब है? अब होने के लिए बचा ही क्या है? शिखर, बाबूजी का कहने का मतलब है कि अब हम आगे क्या करेंगे? स्वरा और संस्कार की तो शादी हो चुकी है ना? तुम्हें क्या लगता है, हमारी बेटियों में कोई कमियां हैं? हमारी बेटियां सर्वगुण संपन्न हैं, खूबसूरत हैं, हिम्मत वाली हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ना होगा। माना कि हमारी बेटियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन बेटा सब कुछ भुलाकर ऐसे आगे बढ़ना। पार्वती बिल्कुल ठीक कह रही है, शिखर बेटा ये सब इतना आसान ना है। मुश्किल से मगर करना होगा। शिखर लक्ष्य भी गुस्से में, उसे समझाकर। समझाया इंसान को जाता है, वो इंसान है। और आज के बाद इस घर में उस लड़के का नाम भी मत लेना। शिखर बेटा समझने की कोशिश कर, भले ही लक्ष्य के साथ हमारा कोई रिश्ता ना है, लेकिन उस परिवार के साथ तो हमारा अभी भी संबंध है। ना बाबूजी, बिल्कुल गलत। उस परिवार के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। पर पापा, अपने बाबा के खिलाफ जाएगी? मैं जानता हूं तुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं तेरे और संस्कार के साथ ज्यादती कर रहा हूं, मगर मैं तुझे उस घर में जलील होने और तमाशा बनने के लिए नहीं भेज सकता। उन्होंने मेरी रागिनी की आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे पहले वाली रागिनी बनी थी, मगर उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। मैं तुझे वहां नहीं भेज सकता। शिखर, तुम लक्ष्य की गलतियों की सजा स्वरा को क्यों दे रहे हो? क्या हो गया सबको? ऐसा नहीं है मिष्टी,
मैं सबको गलत लग रहा हूं? मैं अगर अपनी बेटियों का भला सोच रहा हूं तो मैं सबके लिए गलत हो गया? कान खोल कर सुन लो सर, रागिनी को लक्ष्य को और स्वरा को संस्कार को भूलना होगा। तू क्या चाहती है? रागिनी को यहां तड़पता छोड़कर तुझे वहां भेज दूं? स्वरा, उन्होंने धोखे से तलाक के कागजात पर रागिनी के दस्तखत लिए हैं। यही काम वो एक बार पहले भी तेरे साथ कर चुके हैं। क्या भरोसा फिर से तुम्हारे साथ ऐसा ना करें? भरोसा है? पापा, जो कुछ भी हुआ वो लक्ष्य ने किया। उसके परिवार की कोई गलती नहीं थी और संस्कार का भी इन सब से कोई लेना देना नहीं है। किसी ने रोका उसे? कोई रोक पाया? बाबा, रोकते तो तब जब उन सबको पता होता। देखा ना आपने, किसी ने लक्ष्य का साथ नहीं दिया था। शेखर बेटा, शांति से सोच इस बारे में। ऐसे जल्दबाजी में फैसला लेकर बर्बादी मत कर। मां, सोचने का टाइम अब चला गया। अब वक्त आया है फैसला लेने का और वो मैं ले चुका हूं। मेरी दोनों बेटियां उस घर में नहीं जाएंगी। तुमने मेरी कसम खाई है स्वरा, और इतना प्यार तो अपने बाबा से करती होगी कि उसे जिंदा देखने के लिए कसम नहीं तोड़ेगी। जाओ रागिनी को उसके कमरे में ले जाओ और उसके कपड़े बदलवा दो। दोनों को खाना खिलाकर सुला। क्या समझते हैं आप लोग खुद को? एक्चुअली आप कुछ नहीं कर सकती। देखिए, मैं आप सब लोगों के सामने ये सारी बातें करके वैम बहू नहीं बनना चाहती थी, पर मॉम, शायद आपको वैसी ही बहुएं पसंद। सो आई डोंट माइंड बीइंग अ वैम बहू एंड टेलिंग यू दैट आप चाह कर भी मुझे और लक्ष्य को इस घर से बाहर नहीं कर सकते। क्योंकि अब ये घर और यहाँ की हर एक चीज हमारे नाम।
लक्ष्य, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? भले ही तुमने इस लड़की से शादी कर ली है, लेकिन इस घर पर और इस घर की किसी भी चीज पर तुम दोनों में से किसी का भी कोई हक नहीं है। आई विश मैं कह सकता कि आप सही कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं। मैंने रागिनी से डिवोर्स पेपर्स के साथ साथ एक कार और बिजनेस भी अपने नाम करवा लिया। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। इन्हें घर के पेपर्स लाके दिखा दो। पेपर्स पे साइन करते हुए रागिनी को लग रहा था कि वो स्वरा और संस्कार के डिवोर्स पेपर्स पर है जब इतना साइन कर रही है। पर ऐसा नहीं था। माँ, आपको तो मैंने बताया था ना, ये वही पेपर्स है। हाँ, बाद में उसने प्रायश्चित का ड्रामा तो किया था। इन पेपर्स को लेने वो लॉयर के ऑफिस में भी आ गई थी, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। फिर उस साइन का यूज करके मैंने ये घर और बिजनेस के कागजात बनवा दिए, तो टेक्निकली ये घर मेरा और काव्य का। तो क्या फर्क रह गया तुझमें और रागिनी में? लकी, उसने भी गलत तरीका अपनाकर सब कुछ अपने नाम पर किया और तूने भी वही किया ना। फर्क है भाई। मैंने ये सब अपने नाम पर इसलिए करवाया ताकि मैं बाद में आराम से पापा और चाचा के नाम पर करवा सकूं। मैंने बाद में सोचा, मुझे रियलाइज हुआ कि आप लोग तो मुझे और काव्य को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। इसीलिए जस्ट फॉर द सिक्योरिटी मुझे अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। एंड सॉरी टू से गाइस, लेकिन आप लोगों ने जो वो फालतू का ड्रामा किया था ना, अगर लक्ष्य चाहता तो उसी वक्त आप लोगों को घर से बाहर निकाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है? आफ्टर ऑल लक्ष्य ने सिर्फ अपना लाइफ पार्टनर चूज किया है। कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं कर दिया जो आप लोग इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि झूठ बोलना और किसी को धोखे से फंसाना जुर्म है। तो क्या करता वो? अगर लक्ष्य सीधे साधे तरीके से अपने रिश्ते की बात आपसे करता तो क्या आप मान जाते? बताइए। लक्ष्य की बातें सुनकर और अब आप लोगों से मिलकर मुझे ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि आप लोग कंजर्वेटिव मारवाड़ी हैं। जहां पापा की परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना, और आप लोगों ने तो लक्ष्य की कभी भी कोई विश पूरी नहीं की, कभी लक्ष्य को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। बेचारा लक्ष्य कितना अपसेट रहता था
इसीलिए मैंने उससे कहा कि घर और बिजनेस के पेपर अपने नाम ना कि आप लोग। थैंक गॉड लक्ष्य ने मेरी बात मान ली, वरना आप और आपकी वाइफ तो लक्ष्य और उसकी ऑसम वाइफ को खुद को कभी प्रूव करने का चांस ही नहीं देते। एनीवेज आई होप अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। रागिनी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरा कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी किसी बात से तुम्हें कोई तसल्ली नहीं होगी। रागिनी, ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती ना तुम, तुम्हें इन सबसे लड़ना होगा, अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ना होगा। और तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। तुम हिम्मत नहीं हार, हमारे वजह से तुम्हारा प्यार फिर से तुमसे अलग हो गया। हम हमेशा से तुम्हारे दुख का कारण रहे। तुम फिर भी हमसे इतना प्यार क्यों करती हो? नहीं रागिनी, ये वक्त मेरे बारे में बात करने का नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक बात है कि हम दोनों साथ हैं। और देखना, हम दोनों लड़ेंगे, हम दोनों सब कुछ भुला कर आगे बढ़ेंगे। राम तो हिम्मत हार चुके, सब खत्म हो गया। लेकिन ये ऐसा नहीं कहते, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम दोनों लड़ेंगे। नो, यू आर द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड और मैं तुम्हें ऐसे टूटने नहीं दूंगी। मैं सब कुछ ठीक करूंगी और देखना, बहुत जल्द तुम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाओ। आज के बाद ऐसी बात कभी मत बोलना। I can't lose you. चलो अब तुम चेंज कर लो, मैं खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? साथ में खाना खाते हैं। मैं आप सबसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मुझे और काव्य को एक्सेप्ट करने की कोशिश तो कीजिए। आज तक आपने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, प्लीज आज सोच लीजिए। नहीं लक्ष्य, अब तो हम इस लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे। तुम्हारी वजह से स्वरा और संस्कार का बसा बसाया घर टूट गया और अब जो इतना बड़ा धोखा तुमने दिया है ना लक्ष्य, उसके बाद तो हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। अब हम इस लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन जायदाद के कागजात के दम पर इस लड़की को इस घर में जगह दिलवा सकते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। और नहीं तो क्या जीजी, ऐसी तेज तरार और बदतमीज छोरी ये घर की बहू कभी ना बन सके। अरे एक छत के नीचे ऐसी छोरी के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। इतना बड़ा पाप ना हो सकेगा हमारे से। मैं
रहने दो सुजाता, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और पर उंगली क्या उठाना। हमें तुम्हारे लक्षण तभी पहचान जाने चाहिए थे जब तुमने एक झूठ पर भरोसा कर तुरा को छोड़कर रागनी से शादी की थी। तभी समझ जाना चाहिए था लक्ष्य कि तुम किसी के प्यार किसी के विश्वास के लायक ही नहीं हो। बस, बहुत बोल लिया आपने। सही कह रहे हैं आप लोग, हमारे साथ एक छत के नीचे रहना घोर पाप होगा ना, तो ठीक है नहीं करते हैं ये पाप। चलिए एक एक करके अपना सामान पैक कीजिए और निकल जाइए यहाँ से। ये छोरे तो रागने की बीमार निकली, ये हो रहा है जी घर में, कुछ अच्छा ना हो रहा है। मैं ये शादी दोबारा करना चाहता हूँ इनके साथ, इनके मंडप में। दिस इज रागिनी महेश्वरी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो क्या मैं दोबारा शादी कर सकता हूँ? रागिनी कहा था ना खतरा, मैं आज अभी इसी रागिनी से शादी करूंगा। तुम इस घर के मालकिन हो, हमारी बॉस हो, रागिनी अब मैं तुम्हें तब से दूर लगाऊंगा तो मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। वही होगा जो ये लक्ष्य चाहता है, और लक्ष्य को रागी ना तो कभी पसंद थी और ना ही कभी होगी। मैं काव्या से इतना प्यार क्यों करता? काव्या एक बहुत अच्छी लड़की है, पर मेरे लिए इससे अच्छा लाइफ पार्टनर और कोई हो ही नहीं सकता। अब तक मैं बहुत चुप थी, आप लोगों की रिस्पेक्ट कर रही थी और बहुत प्यार से बात कर रही थी, पर शायद आप लोगों को प्यार की लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही। आप लोग मेरे पति के इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे हैं, पर अब नहीं। लक्ष्य, मैं तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी करेगा तो टॉलरेट बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम इन लोगों के साथ इतनी अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हो, एक बार भी अपनी आवाज तक ऊंची नहीं की, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे इन लोगों के यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह से ये बिहेव करते रहे तो या तो इस घर में ये रहेंगे या फिर हम। अब तुम डिसाइड कर लो कि क्या करना है। मैंने कहा हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, ये घर अब हमारा है। और वैसे भी पापा ने तो कह दिया ना कि उन्हें मुझे अपना बेटा बोलते हुए शर्म आती है, तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। लक्ष्य, सुन लिया ना आप लोगों ने, तो आप जल्दी डिसाइड कीजिए क्योंकि आई हैव टू स्लीप। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? मैं जानती हूँ आप लोग मुझे नहीं जानते हैं और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती, बट आपकी बहू एक बहुत बड़ी सिंगर
और कल मैंने अपनी शादी के अनाउंसमेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आफ्टर ऑल काव्या की शादी इज गोना बी द हेडलाइंस टुमारो, पर उससे पहले मुझे अपनी ब्यूटी स्लीप लेनी। रागिनी तुम बाथरूम में हो? चलो, कहाँ जा रही हो तुम? अपने रूम में। एंड डोंट इवन थिंक कि आप मुझे रोक पाएंगे, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो अपनी सास की शक्ल देख के डर जाती है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं फिर से बता देती हूँ। नेवर माइंड, होता है ऐसा इस उम्र में, चीजें भूल जाते हैं लोग। बट नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू अगेन। अब मेरी इस घर में एंट्री हो चुकी है। हाँ, अब यहां से आपका रोल खत्म होता है और मेरा रोल शुरू। तो अब डिसीजन आपका है, अगर आप रहना चाहते हैं तो रहिए और जाना चाहते हैं वरना दरवाजा खुला है। माँ, पापा, दादी माँ, दादाजी, स्वरा, हमें पता है हम बहुत गलत कदम उठाने जा रहे हैं, पर इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। जिस चीज के लिए, जिस इंसान के लिए आज तक हमने इतने गलत काम की, उन्होंने ही हमें गलत कहकर ठुकरा दिया। अब अपने प्यार के बिना हम नहीं जी सकते। हमें माफ कर दीजिए, पर अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम जा रहे हैं आप सबसे बहुत दूर, शायद अब आप सब खुशी से रह पाएंगे। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.